नमस्कार, मैं हूँ जया प्रजापति और मिट्टी मनवार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोले की सब्जी। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। इनको हम चपाती के अलावा भटूरे और चावल के साथ भी खा सकते हैं। तरह तरह की रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हमने एक कटोरी छोले लिए हैं और इनको रात भर भिगो लिया है। ये मीडियम साइज के छोले हैं। अब हम इन्हें कुकर में डाल देते हैं। अब इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं। इसमें आधा चम्मच नमक मिला देंगे। अब इसमें थोड़ा सा सोडा मिला देंगे और इनको 5 से 6 सीटी आने तक उबालेंगे। 5 सीटी आ गई है और इसकी गैस बाहर निकल गई है। अब इसका ढक्कन खोल के छोले को चेक कर लेते हैं। हमारे छोले उबल गए हैं। अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं और पानी से बाहर निकाल लेते हैं। छोले की सब्जी के लिए हमने 4 प्याज लिए हैं, 3 लाल टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्च लिए हैं। साथ में हमने थोड़ा सा लहसुन और अदरक का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले प्याज और लहसुन अदरक को मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। अब हम टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे और अलग कटोरी में निकाल देंगे। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें जीरा डाल देते हैं। अब इसमें तेजपत्ता डाल देंगे, 1 जावंत्री का फूल डाल देंगे, थोड़ी सी दालचीनी डाल देंगे और साथ ही लौंग, काली मिर्ची और इलायची डाल देंगे। इन खड़े मसालों से हमारी सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब इसमें 1 कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे, 2 चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच पानी डाल देंगे और हमारे मसाले को अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। अब हमारा मसाला पक गया है। अब हम इसमें छोले डाल देते हैं और इनको भी अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर और पकाएंगे।
अब हम इसमें एक चम्मच छोला मसाला डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। हमारे छोले की सब्जी बनकर तैयार है। अब इसे सर्व करने के लिए अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमारे छोले की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इसे भटूरे, चावल, पूड़ी के साथ भी खा सकते हो। तो एक बार आप भी घर पे बनाइए और खाइए। वे अपने अनुभव मिट्टी मनवार पर शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई नई रेसिपी आपको सही समय पर मिलती रहे। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।